भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड के बागमारा क्षेत्र के तेतुलमारी नगरी कला में सोमवार को महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें बीसीसीएल प्रबंधक से मांग की गई है कि वह आसपास के क्षेत्रों में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा अविलंब उपलब्ध कराए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरना कार्यक्रम में धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने धरनार्थियों को आश्वासन दिया है कि बीसीसीएल प्रबंधक से वार्ता के बाद समस्याओं का निदान किया जाएगा, जिसके बाद बीसीसीएल महाप्रबंधक को कुछ समय की मोहलत दी जाए। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के तुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि बराबर इस राज करता है और रैयत जो क्या जाए सब रैयत है और रैयतों का जमीन लिए आज काफ़ी दिन हो गया, लेकिन मूलभूत समस्या का निदान नहीं हो पाया, जैसे बिजली पानी, जबकि आदर्श गांव घोषित किया गया था और आदर्श गांव होने के साथ साथ इनको बिजली पानी नाले सड़क रोड सब शिक्षा स्वास्थ्य सब करना था जो नहीं किया, इसके लिए हम लोगों ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया और जिला प्रशासन के आश्वासन पर हम लोग इसको क्या लगता है इस बार आश्वासन के बाद मिल पाएंगे बिजली और पानी? समय सीमा के अंदर नहीं होगा तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना।